तो दोस्तों बात करेंगे एसएससी सीजीएल 24 के जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी देखेंगे और चेन्नई के लिए दोस्तों कितना रैंक लेकर आना पड़ेगा, पहले की दोस्तों कट ऑफ क्या गई थी और रैंक कितने रैंक तक दोस्तों चेन्नई जोन मिला था। इससे पहले दोस्तों मैं आपको लखनऊ के रैंक के बारे में बता चुका, दिल्ली रैंक, एएसओ सीएसएस का रैंक, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, एएसओ एफएचक्यू, इन सब के बारे में दोस्तों डिटेल से मैं सेपरेट वीडियो जो है बना चुका, ठीक है। तो अगर अभी तक भी आपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको SSC से रिलेटेड, खासकर अगर आपका CGL से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह की चीज़ें दोस्तों शायद ही आपको कहीं पर मिले। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की दोस्तों वैकेंसी की अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी ये आपको पता है दिल्ली के अंदर है, और इस बार दोस्तों हम चेन्नई के बारे में बात कर रहे हैं, चेन्नई जोन के बारे में, तो 26 वैकेंसी हैं, लेकिन इसमें दोस्तों यूआर कैटेगरी की 0 वैकेंसी है, ओबीसी की भी 0 वैकेंसी है, यहां पर ईडब्ल्यूएस की 10 वैकेंसी हैं और एसटी की 14 वैकेंसी हैं और एससी की 2 वैकेंसी हैं, यानी कि ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी की दोस्तों वैकेंसी अच्छी है, यूआर ओबीसी की बिल्कुल 0 वैकेंसी है, ठीक है। तो यहां पर ज्यादा कंपटीशन रहेगा जो एक्साइज इंस्पेक्टर वालों का, ठीक है। हालांकि चेन्नई जोन को दोस्तों प्रेफरेंस बहुत ही रेयर लोग जो हैं देते हैं, ठीक है, जो वहाँ के आसपास के होते हैं, बाकी तो दोस्तों मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो दिल्ली या नॉर्थ इंडिया की तरफ ही चलती हैं, और इसमें दोस्तों कलकत्ता में भी अच्छा खासा कंपटीशन रहता है और इस बार यहाँ पर भी वैकेंसी अच्छी खासी है, कलकत्ता में 45 वैकेंसी हैं और जीएसटी इंस्पेक्टर की भी दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी कलकत्ता के अंदर आप देखने को मिलेंगी, 408 वैकेंसी हैं, ठीक है। यानी कि पहले नंबर पे चेन्नई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं, यानी कि इसी जोन में जिसका हम दोस्तों हम आज रैंक और कट ऑफ एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसी जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार जो है आई है। पिछली बार दोस्तों 214 वैकेंसी थी और पिछली बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी मुंबई के अंदर थी, इससे पिछली बार 193 थी दोस्तों और उससे पहले मुंबई के अंदर ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली थी। पिछले 2 साल से मुंबई के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है, इस बार 119 वैकेंसी हैं, ठीक है। इस बार वडोदरा के अंदर भी 288 वैकेंसी हैं, लेकिन यूआर कैटेगरी की वडोदरा के अंदर 0 वैकेंसी हैं और ओबीसी वालों के लिए दोस्तों इस साल बेहतरीन मौका है, नौकरी पाने के लिए ओबीसी वालों के लिए, क्योंकि उनके हर एक फील्ड में ज़्यादा वैकेंसी जो है आ रही है, ठीक है। तो इसका दोस्तों हम एनालिसिस अभी करेंगे चेन्नई जोन का, ठीक है। दिल्ली वगैरह में 163 अच्छी खासी वैकेंसी है, ज़बरदस्त तरीके से अपनी जो है पढ़ाई दोस्तों करते रहें, ठीक है। ये यहाँ पर चेन्नई दोस्तों जोन बनता है, जो ये वाला एरिया है कलकत्ता, ठीक है, ये बिहार, ये वाला एरिया दोस्तों यहाँ पर ऐसे आता है, और जो ये नॉर्थ इंडिया का एरिया है तो ये उनकी प्रेफरेंस ये वाली रहती है, मुंबई हुआ, ठीक है, यहाँ पर गोवा, ठीक है, हैदराबाद, बेंगलोर, फिर चेन्नई, ऐसे रहती है प्रेफरेंस, और इनकी प्रेफरेंस यहाँ पे भुवनेश्वर के बाद जो है हैदराबाद या चेन्नई, यहीं पर जो है मामला निपटता है, ठीक है। और खासकर जो बिहार के लोग हैं वो कलकत्ता और भुवनेश्वर को तो बिल्कुल ही पसंद करते हैं, क्योंकि उनके बिल्कुल नज़दीक है ये वाला, ठीक है। इस साइड का एरिया कलकत्ता और बिहार नहीं जाता है, वो इस साइड का एरिया ऐसे आता है इस क्रम में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हमने ध्यान रखना पड़ेगा आगे, और जैसे किस, जैसे चेन्नई के जोन के अंदर कितना एरिया आता है या किसके, जैसे रांची के अंदर कितना एरिया आता है, तो ये वाली चीज़ दोस्तों ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल रखी, और इसका डायरेक्ट लिंक भी मैं डाल दूंगा जीएसटी इंस्पेक्टर ज्यूरिडिक्शन के नाम से, ठीक है। तो इससे आपको जो है पता लग जाएगा। अब मैं आपको ओबीसी की बात बता रहा था, ओबीसी में दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पिछले 2023 के अंदर टोटल वैकेंसी 2389 थी और 2024 में 2664 वैकेंसी, यानी कि 300 वैकेंसी ज़्यादा है इस बार, लेकिन यूआर कैटेगरी की पिछली बार 1197 वैकेंसी थी, इस बार 1067 वैकेंसी है, वैकेंसी उतनी भी नहीं है, कम है वैकेंसी, ठीक है। क्यों कम है, क्योंकि ओबीसी की वैकेंसी दोस्तों डबल हो चुकी है, यहाँ पर 364 से 737 हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो यहाँ पर ठीक है, थोड़ी सी वैकेंसी बड़ी है, और यहाँ पर एससी की वैकेंसी भी दोस्तों कम हुई है, 10 वैकेंसी कम हुई है, ऑल ओवर वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है, 202 एसटी की भी 10 वैकेंसी जो है इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। तो यानी कि तभी कह रहा हूँ ओबीसी वाले दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, वैकेंसी बार बार नहीं आती हैं, जैसे कि उससे पहले मैं बताऊँ सिर्फ 94 वैकेंसी थी टोटल 1113 में से, ठीक है, और इस बार इतने में से दोस्तों इतनी, यानी कि कितने 7 गुना ज़्यादा वैकेंसी, ठीक है। हालांकि यहाँ पर तो दोस्तों सिर्फ डबल से थोड़ी सी ज़्यादा हुई हैं, यहाँ पर देखेंगे 7 गुना ज़्यादा वैकेंसी हैं 22 से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से आप जो करते रहें, और YouTube चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, जिसने सब्सक्राइब कर रखा है
लाइक जरूर करें, और किस जोन के बारे में आप जो है जानना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। तो ये दोस्तों आपका 4600 ग्रेड पे में 4778 वैकेंसी आपकी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी जीएसटी इंस्पेक्टर की ही है, 2664, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एएसओ सीएसएस की है 930 वैकेंसी, ठीक है। तो ये आपको पता है दिल्ली के अंदर ही है, और ये क्या है ऑल ओवर इंडिया में है, और एक बार जोन मिलने के बाद दोस्तों जो है नहीं मिलता है। तो अगर अब आपको लगता है कि आपको मेंस की दोस्तों तैयारी करनी है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर, तो ये दोस्तों एरिया आई चीज़ें देख सकते हैं, ये लाइब्रेरी है, ये जो है जाने का रास्ता, और ये पूरा का पूरा रहने का खाने का पीने का सब कुछ जो है इस कैंपस के अंदर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको दोस्तों क्या क्या मिलेगा और कहाँ पर है, ये एड्रेस रहेगा दोस्तों रेवाड़ी का, 70 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, 1.5 घंटे का रास्ता है सिर्फ दिल्ली से, ठीक है। तो यहाँ पर रहना खाना लाइब्रेरी फिजिकल की ट्रेनिंग, ठीक है, फिजिकल की भी एक्टिविटी कराएंगे डेली, और मेंटरशिप भी देंगे, जो कि सौरभ यादव सर हैं जिन्होंने 18 प्लस एग्जाम ऑलरेडी क्रैक कर रखे हैं, उनके द्वारा दोस्तों आपको बताया जाएगा कि क्या कुछ आपने पढ़ना है। 10 आवर्स का डेली का दोस्तों स्टडी प्लान है, आपकी फिजिकल की एक्टिविटी भी कराएंगे आपको स्टडी, और लेकिन यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं रहता है, ठीक है। आपने अपनी स्टडी करनी तो टैब से या लोहे लैपटॉप वगैरह ही करनी है, ठीक है। तो फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं, यानी कि आप सब कुछ सारी दुनिया से अलग हैं, ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। एक बार दोस्तों कॉल पर जरूर आएँ, कॉल नंबर ये है 9484-70317 पर कॉल करके आप जो है यहाँ पर जा सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी हो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी, ठीक है। तो ये उनका पूरा का पूरा, जैसे 7 बजे उठना है, ठीक है, 11 बजे सोना है, तो ये सारी की सारी पूरी की तहत जो है उसके अंदर आता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चेन्नई जोन के, जो पहले दोस्तों वैकेंसीज थी, ठीक है, पिछली बार 214 वैकेंसी थी, यूआर कैटेगरी की 78 वैकेंसी थी, इस बार दोस्तों यूआर कैटेगरी की 333 वैकेंसी है, ठीक है। रैंक दोस्तों 2850 तक मिला था, 310 नंबर पे कट ऑफ गई थी, और मैक्सिमम रैंक 2930, यानी कि आप देखेंगे 2930 तक तो लास्ट कैंडिडेट को रैंक मिला था, ठीक है। ये कहाँ पे मिला था, किसको मिला था, ये भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किसी न किसी वीडियो में, ठीक है, कि किस जोन की सबसे कम कट ऑफ पिछली बार जो है गई थी। इस बार दोस्तों यहाँ पर आप देखें 2930 रैंक तक मिला था, ये 4010, ये दोस्तों 4010, ठीक है, इसी की कम गई थी। ईडब्ल्यूएस के 400, ये भी कम बिल्कुल, 6680, ये 6600 इतने तक, और ये इतने तक, ठीक है। तो यानी कि ये वैकेंसीज थी और इतने इतने रैंक तक दोस्तों ये मिला था पिछली बार ये वाला, ठीक है, चेन्नई जोन, और इतना मैक्सिमम रैंक था, यानी कि इतने जोन इस बंदे को जो है सिर्फ जीएसटी इंस्पेक्टर मिला था, वो पता नहीं मुंबई मिला था, गुवाहाटी मिला था, कहाँ मिला था, ठीक है। तो इस बार दोस्तों 333 वैकेंसी हैं, एक्सपेक्टेड रैंक है 3500 तक जो आपको मिल जाएगा, ओबीसी में 4800 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 4500 रैंक तक, एससी में दोस्तों 7-7500 तक आराम से मिल जाएगा। इसका डिटेल्ड एनालिसिस दोस्तों इन दोनों का थोड़ा सा टफ रहता, लेकिन इतने तक मिल जाएगा अगर आप आज कहीं पर मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं और इतने इतने रैंक तक, तो आपको पता लगेगा कि यार आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो लगभग कट ऑफ दोस्तों ये वाली जो है संभावित है 309, 302, 305, 285, 280, इस तरह से जो ये कट ऑफ जो है जा सकती है, ठीक है। तो क्योंकि इस बार 572 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है चेन्नई जोन में, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी जोन के अंदर है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से करते रहें, और कोई भी डाउट, कोई भी सारी की सारी जो अपडेट्स हैं वो अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 24 घंटे में जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो बस उम्मीद करूँगा कि आप अब बिंदास होकर के जो है पढ़ाई करेंगे, और इस बार एक एम बनाएंगे कि मुझे इस सीजीएल के अंदर नौकरी लेनी ही लेनी है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, और किस वीडियो को आप जो है नेक्स्ट वीडियो में चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।